सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये एक ऐसा दौर है जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के गिरफ्त में है। लोग अपने घरों में सिमटे हुए हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। दुनिया वैश्विक मंदी के कगार पर खड़ी है। इन्हीं सब चिंताओं के मद्देनजर एक और मसला है जिसने दुनिया के सारे वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों के माथे पर बल ला दिया है। ये समस्या है धरती के चुंबकीय क्षेत्र के एक भाग का तेजी से कमजोर होना। हालांकि इसकी वजह क्या है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों को जो उपग्रह के आंकड़े मिले हैं, उनसे ये पता चला है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को दक्षिण अटलांटिक विषमता या साउथ अटलांटिक अनोमली कहा है। ये विषमता क्षेत्र हाल के कुछ सालों में चौड़ाई में बढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र में ये बदलाव महज 5 साल के भीतर हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के ध्रुवों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्यों कमजोर हो रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इससे क्या बदलाव आएंगे धरती पर, इन्हीं सब वजहों की पड़ताल आज हम DNS में करेंगे। इससे पहले हम धरती के चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने की वजह की पड़ताल करें, सबसे पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है। दरअसल में पृथ्वी के गर्भ में लोहा, निकल, मैग्नीज समेत कई हल्की और भारी धातुएं मौजूद हैं। लेकिन ये सारी धातुएं बाहरी कोर में पिघले हुए रूप में मौजूद हैं। पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघली धातु के बहाव से विद्युत धाराएं या इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से इन धाराओं से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर मौजूद रहती है। पृथ्वी के केंद्र में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही कंपास हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है और यही चुंबकीय क्षेत्र धरती को खतरनाक सौर हवाओं से बचाता है। क्यों जरूरी है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए एक रक्षा कवच की तरह है। माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय बल एक भीमकाय छड़ चुंबक सरीखा है। भौगोलिक उत्तर दक्षिण ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी में एक और जोड़ी ध्रुव उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव मौजूद है। ये क्षेत्र धरती पर आने वाले सूर्य के आवेशित कणों को मोड़ देता है। चुंबकीय क्षेत्र के बिना सूर्य के आवेशित कण ओजोन परत को भेदकर धरती पर आ जाएंगे। इससे यूवी रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र ही है जिसकी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक विकिरणों से बच पाती है। इसके साथ ही सूरज के जरिए आने वाले आवेशित कणों या चार्ज पार्टिकल से बचने में भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ही हमारी मदद करता है। लेकिन इसी चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर पड़ने की वजह से धरती का वजूद खतरे में आने लगा है। एक नजर अफ्रीका लैटिन अमेरिका के बीच कमजोर हो रहा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में संकट। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में तेजी से कमजोर पड़ रहा है। इसे दक्षिण अटलांटिक विषमता या साउथ अटलांटिक अनोमली कहा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में ये बदलाव महज 5 साल के अंदर हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बीते हुए कुछ सालों से चुंबकीय क्षेत्र में कमी आ रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 200 सालों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में 9% की कमी आई है। लेकिन ये कमी भी धरती के कुछ हिस्सों में ज्यादा है और कुछ हिस्सों में कम। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच काफी बड़े हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा कमी आई है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव अचानक से नहीं हो जाता है, बल्कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। धरती पर ध्रुवों के बदलाव का यह सिलसिला हर 2,50,000 साल में होता है। उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों पर मंडराया गंभीर संकट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वर्ष 2013 से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रही है। इस मिशन में 3 सैटेलाइट लगे हुए हैं जो उच्च गुणवत्ता के आंकड़े मुहैया कराते हैं। जर्मन शोधकर्ता जुर्गेन मर्ट्सका ने कहा है कि दक्षिण अटलांटिक विषमता पिछले दशक में सामने आई और अब ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम भाग्यशाली हैं कि अंतरिक्ष में स्वाम सैटेलाइट है जो दक्षिण अटलांटिक विषमता के बारे में जांच करते हैं और आंकड़े बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने से धरती पर कई बदलाव देखे जा सकते हैं। इन बदलावों में सबसे ज्यादा नुकसान उपग्रहों या सैटेलाइट पर पड़ेगा। धरती पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने की वजह से अंतरिक्ष से आने वाली विकिरणों में मौजूद आवेशित कण उपग्रहों के काम पर असर डाल सकते हैं। इससे उपकरणों के खराब होने का भी खतरा है। हालांकि अभी वैज्ञानिक ये नहीं बता पा रहे हैं कि इससे पड़ने वाला असर कितना व्यापक होगा, लेकिन उनका मानना है कि ये निश्चित है कि सबसे पहले उपग्रहों पर ही असर हो सकता है।